एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट दिस। इस डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, मतलब पहले a प्लस एल लिखें, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी बचे उसको डिटरमिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। अब आप माइनस की साइन लगा के a माइनस एल लिख दें और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी बचे उसको डिटरमिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। इसी तरह से आप प्लस साइन लगा के ए लिख दें, उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें और जो बाकी बचे उसको डिटरमिनेंट में करके लिख दें इस तरह से। नाउ अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, पहले ये सिमिलर लिख के इस डिटरमिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करा दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह माइनस लिख के ए माइनस एल सेम लिख दें। अब आप इस ए को इससे मल्टीप्लाई करा दें और ए माइनस एल को ए माइनस एल से मल्टीप्लाई करा दें, वी विल गेट दिस। इसी तरह से प्लस ए लिख के इस a को a से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस की साइन लगा के a प्लस एल को a माइनस एल से मल्टीप्लाई करा दें, वी विल गेट दिस। अब यहाँ आप इनको सिंप्लीफाई करें, a प्लस एल लिख दें, उसके बाद यहाँ पे a प्लस एल होल स्क्वायर के ऊपर ये फार्मूला इंप्लीमेंट करें, वी विल गेट a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस, इस a को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस का a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस al। इसी तरह से माइनस ए माइनस एल को सेम लिख दें, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ए को ए से मल्टीप्लाई कराएं ए स्क्वायर, प्लस की साइन ए को एल से मल्टीप्लाई कराएं ए एल आ जाएगा माइनस। अब आप यहां पे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ओपन कर दें, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al, देन उसके बाद इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, वी विल गेट दिस। प्लस एल सेम लिख दें, ए स्क्वायर यहाँ पे सेम आ जाएगा माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपने प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को आपस में कैंसिल कर देना है और इनको ऐड कर लेना है, एल स्क्वायर यहाँ पे सेम आ जाएगा, 2al प्लस al 3al आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज सेम आ जाएगी, al 2al प्लस 3al आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, वी गेट ए एल स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर एल प्लस एल क्यूब प्लस 3 ए एल स्क्वायर, देन आप सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट दिस। उसके बाद प्लस ए एल स्क्वायर को सेम लिख दें। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 ए स्क्वायर एल इससे कैंसिल हो जाएगा, एल क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी तमाम टर्म्स को आप ऐड कर लें, वी विल गेट 9 ए एल स्क्वायर।